हो गया। ओ माय ज्ञान कमिराम दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम जेना तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला ब्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। हम श्री क्या नाम है रमा दीदी को घर में आज सबके सब आज भक्त लोग उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पर कीर्तन और भगवान की कथा सुन रहे हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जगत में दो चीज बड़ा दुर्लभ है। वो दो चीज क्या है? बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो है। कहते दो चीज क्या? बोले पहला चीज है संतों का संग है और दूसरा चीज क्या? हरि की कथा है। जगत में ये चीज बड़ा दुर्लभ है। कहते सूत दार और बीत पापी को भी हो। सूत दार और बीत रुपया पैसा धन दौलत पुत्र परिवार कहते पापी को घर में भी ये हुआ करती हैं। लेकिन भगवान की कथा सत्संग ये बड़ा दुर्लभ है। जिसको शंकर जी पार्वती को कहते हैं बोले पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक उबारा। बोले पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसारा। संसार में सत्संग बड़ा दुर्लभ है। अगर जीवन में एक निमिष एक घड़ी है घड़ी आदि से पुनि आद अगर थोड़ी सी अगर जीवन में सत्संग हरि कथा मिल जाए पार्वती कि जीवन हमारी धन्य हो जाती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते जितने सारे शास्त्र का जो निचोड़ वो एक श्लोक में कहते हैं। बोले वो क्या कहते हैं? बोले तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो क्रमेण रस रसना मनस निज। वो कहते हैं बोले जितने सारे उपदेश से ये उपदेश सारे हैं। सारे उपदेश के सारे बोले क्या है? पहला नंबर तन नाम क्या करनी चाहिए? भगवान के नाम को हमें जप करनी चाहिए हैं। ठाकुर का नाम जप करनी चाहिए। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं हमारी पांच ज्ञानेन्द्रिया है। कितने ज्ञानेन्द्रिया है? क्या क्या है बोलो जोर से। हाँ देखो पंडित यानी बोल रहे। इसलिए कहते हैं हमारे पांच ज्ञानेन्द्रिया जिसके द्वारा हम ज्ञान को आहरण करते हैं। कहते हैं भगवान का नाम अगर किसी तरह से ये पांच ज्ञानेन्द्रियों को द्वारा अगर किसी तरह से अगर उसमें टच हो जाए ना उसका कल्याण कर देते हैं। जैसे चक्षु पहला नंबर आंख। जैसे अगर कहीं भगवान का नाम लिखा हुआ है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जब वहां आंख
आंखों के द्वारा भगवान का नाम को दर्शन करते, हरे कृष्णा क्या हो जाता है, ये आंखों के माध्यम से ही भगवान का नाम हमारी कल्याण कर दिया। क्योंकि जो जो अक्षर है हरे कृष्णा, कितना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, इसलिए भगवान का नाम हरि से भी बढ़ करके भगवान के नाम है, हरि से भी बढ़ करके हरि का नाम। इसलिए बताए अगर तुम्हारी मन शांत नहीं हो रहा है, हरि नाम करते समय मन अगर इधर उधर भटकता है फिर क्या करो। इसलिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते हैं भगवान का नाम लिख दो, जैसे हरे कृष्ण नाम लिख दो और ये नाम को देखते रहो और बोलते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर उसको देख करके हरि का नाम लोगे ना क्या होगा, तुम्हारी मन शांत हो जाएगा। इसलिए ये आंखों से कल्याण करता है। दूसरा चक्षु कर्ण कान को द्वारा भी कल्याण करता है। कैसे, जैसे हम भगवान के नाम सुन रहे हैं, जब भगवान का नाम ये कानों के माध्यम से प्रवेश करता है पर ये हृदय जाता है। काने रे भीतर पसीलो गो आकुलो करी लो मोर प्राण, कहते कर्णों के माध्यम में हृदय में जाता है। क्या करता है भगवान नाम, इसको द्वारा भी भगवान का नाम कल्याण करता है। बोले चक्षु कर्ण, उसके बाद में नासिका, नासिका मतलब नाक, नाक से कैसे कल्याण करता है, हेलो नाक से कैसे कल्याण करता है। जैसे यहाँ पर भगवान का कीर्तन हो रहे हैं, भगवान के नाम हो रहे, कहते इसका जो शब्द है वो शब्द सामान्य नहीं, ये शब्द ब्रह्म है, ये शब्द ब्रह्म है भगवान का नाम। इसलिए जैसे यहाँ पर कीर्तन हो रही है, हरि कथा हो रही है, इसकी आवाज जितने दूर तक गूंजती है, इसलिए कहते हैं ना मंगल भवन अमंगल हरि भगवान का नाम, ये जितने दूर तक प्रभु का नाम गूंजती रहती है उतना दूर तक किसी तरह का दुख कष्ट पाप कुछ भी नहीं रहेगा, सब चीज को ये दूर कर देता है भगवान के नाम है। जैसे ये शब्द केवल शब्द ही और कुछ नहीं, लेकिन दुनिया जो शब्दों के द्वारा ही चलते है, सारी दुनिया। किसी व्यक्ति को थोड़ी मीठी बोली बोल तो क्या नाम तुम्हारे, राहुल, अगर मैं बोल दू राहुल बहुत अच्छा बेटा लड़का है, हाँ इसका दिल बड़ा साफ है, सबको ऊपर में दया करता है, सबको ऊपर कृपा करता है। अभी ठाकुर जी के बर्तन खरीदी करने के लिए जा रहे हैं मंदिर में, ठाकुर जी की रसोई बनेगी ना, कल रसोई बनेगी, इसलिए अभी जा रही है कल ठाकुर का, चलो बर्तन खरीद करके लेकर के। ये शब्द ही ना, शब्द ही है, अगर जिसको थोड़ी सी मीठी शब्द बोल तो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। केवल शब्द, सारा दुनिया शब्दों के ऊपर निर्भर करता है, सारा दुनिया। बुद्धि की इतना नाम बिना देखे लेक्चर देता है, उसका लेक्चर में बड़ा दमदार उसका लेक्चर है। इसलिए जो दुनिया है ना कल शब्दों के ऊपर निर्भर करते हैं और कुछ नहीं, सबको मीठी मीठी बोली बोलते रहे वहां सब खुशी रहेंगे ना, अगर किसी को कड़वी बोली बोल तो सब गुस्सा हो जाए। इसलिए क्या बोलो, मीठी बोली बोलनी चाहिए, मीठी मीठी बोली बोलनी चाहिए, सब खुश हो जाते हैं मीठी बोली से। इसलिए कहते हैं जो जैसे यहाँ बैठे हैं, हरि कथा हो रही है, भगवान की कीर्तन हो रही है, ये पूरा ये स्थान पूरा पवित्र है, स्थान पूरा पवित्र हो जाता है। भगवान के सारे धाम वहीं पर तीर्थ आकर उपस्थित होते हैं जहां पर हरि की कीर्तन होती है। इसलिए चक्षु कर्ण नासिका बोले जीवा, जीव, जैसे हम जीव में भगवान के नाम जब जीव में टच करता है क्या करता है, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भगवान के नाम जीवा में टच करता है क्या करता है, ये जीवा का भी कल्याण कर देता है। उसके बाद में स्पर्श, स्पर्श मतलब होता है जैसे हम चमड़ा है, इसलिए इसका द्वारा कैसे कल्याण करता है, आप लोग देखे होंगे कोई कोई अपना शरीर में भगवान का नाम लिखे होंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हैं जैसे भगवान का नाम लिखते हैं, कोई कोई अपना बख्य स्थल में राधे कृष्ण निताई गौर, ऐसे ऐसे हम भगवान के नाम लिखते हैं। जब भगवान का नाम टच करता है स्पर्श शरीर को द्वारा, इसका द्वारा भी जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए पहला नंबर है तन्नाम, भगवान के नाम को जप करनी चाहिए, नियम से जप करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अंतिम समय में ये प्रभु का नाम ही तुम्हारी
साथ में जाएगा और कुछ चीज साथ में नहीं जाने वाली। इसलिए क्या करो, मूल है और कलयुग में है, कलयुग में भागवत में बताए, भागवत का अंतिम श्लोक है। क्या श्लोक है? बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि पर। बोले नाम संकीर्तनम जस्य, बोले भगवान की नाम कीर्तन को द्वारा क्या होता है? बोले सर्व पाप प्रणाशनम, जीवन का जितने पाप है सब भगवान के नाम से कट जाते हैं और जीवन में जितने मंगल है भगवान का नाम के द्वारा ही जीवन में सारे मंगल जीवन भगवान के नाम को द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए क्या करो, भगवान के नाम को ठीक से जप करो, सवेरे उठ करके थोड़ी समय निकालो बैठ करके, जहां ठाकुर को सामने बैठ करके नाम करने के लिए, ऐसे नहीं घूम रहे हो कर रहे हो, नहीं। हरि नाम करते समय क्या करो, थोड़ी समय निकालो। कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे हमें कुछ अनुभूति हो ही नहीं रहा है, इतना दिन हो गया माला काली हो गई। नहीं, शास्त्र ने बताया हरि नाम कैसे करनी चाहिए, सामने तुलसी रख करके, नहीं तो ठाकुर को सामने एक आसन पर बैठो, बैठ कर क्या करो, ठाकुर को दर्शन करते हुए, तुलसी पौधा को दर्शन करते हुए, प्रभु का नाम चिंतन करते हुए थोड़ी समय हृदय से पुकारो। हृदय से थोड़ी समय भगवान के नाम को हृदय से पुकार, ठाकुर जी का नाम को पुकार पुकार के करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जितने भगवान का नाम है ना, ये संबोधन पद है। संबोधन मतलब होता है जैसे किसी व्यक्ति को बड़े प्यार से बुलाओ, व्यक्ति को बड़े प्यार से, हरे मतलब है राधे, कृष्ण मतलब है कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण मतलब हे राधे हे कृष्ण, हम आपकी नित्य सेवक है, आपका ही सेवक है, लेकिन आपकी भूलने का वजह से ये संसार में हम दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, आप पुनः कृपा करके अपना चरण की हमें भक्ति और चरण की हमें सेवा प्रदान करो, हैं? इसलिए पुकार पुकार कर हृदय से और रो रो करके, कैसे रो रो करके हरिनाम करो। जैसे जब तक बच्चा नहीं रोता है ना मैया, तब तक दूध ही नहीं पिलाए। जब रोता है मैया को पता चलता है उसको भूख लगा, फिर वो क्या करती है, उसको दूध पिलाती है, रो रो करके। और एक बात है, हरिनाम करते समय ऐसे नहीं मन मन में कर रहे, नहीं, हरिनाम करते समय उच्च स्वर से कम अपना कान तक नाम पड़े। अब कभी कभी लोग हरिनाम करते हैं, हरे कृष्ण जैसे मरते हुए जैसे आवाज नहीं निकल रही, नहीं ऐसे नहीं, नियंत्रण हरिनाम करते समय देखो। हरिनाम को बताया भगवान ठाकुर कहते हैं, बोले कृष्ण नाम सोधा करिया पान जुड़ा भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किछो नहीं कवार चौदह भुवन माज। भक्तगण ठाकुर कहते हैं जो भगवान का नाम कृष्ण नाम सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत है, इसलिए कभी प्राण कब जुड़ाएगा, जुड़ाएगा मतलब हृदय कब शांति मिलेगी, ये हृदय को आनंद कब मिलेगी। जैसे अमृत पीते है ना, है कहते अमृत से भी अमृत भगवान के नाम है। कोई अमृत कोई बढ़िया चीज खाओ, रसगुल्ला रसमलाई ही मुंह में खाओ तो आनंद आ जाएगा ना, है उसी तरह जब भगवान के नाम लो, भगवान का नाम नहीं ये अमृत है, ये क्या है, ये अमृत है, है? उसी तरह हरिनाम करते समय मरते हुए जान जान नहीं, नियम है हरिनाम करते समय कैसे करो हरिनाम, प्रसन्नता होकर के आनंद पूर्वक हरिनाम लेने चाहिए। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, प्रसन्न होकर के भगवान की नाम जप करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यदि जो भगवान का नाम ये पंच ज्ञानेन्द्रियों को अगर स्पर्श करता है तब क्या करता है, ये सारे इंद्रियों को भगवान का नाम धन्य धन्य कर देता है। इसलिए पहले बताए तन नाम, पहले भगवान के नाम को जप करो, ठीक है। माला को भी भूखी जानी नहीं चाहिए, भले खुद एक दिन भूखे रह जाओ मत खाओ, ऐसे नहीं, रात को सोए 12 1 2 बजे
टीवी देख देख कर सवेरे उठे 8-9 बजे, मुंह किस तरह से धोया भैया और खा भी कर अभी भाग गए। नहीं तो हरिनाम नहीं किया, गुरु मंत्र नहीं किया, भजन करना शुरू करते नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ी पाप है। जब तक अपना नित्य नियम को पूरी नहीं करो तब तो खाना नहीं चाहिए। खाना क्यों खाओ? ये जीवन धारण करने के लिए। जीवन धारण किस लिए? भजन के लिए। कहते जीवन का धारण किस लिए? के भजन के लिए। अगर ब्रह्म की भजन ही नहीं हो पाए तो खाओगे क्यों? मर जाओ उससे। गुरु जी तो मर जाओ ना, तो तुम जी करके क्या लाभ है? जी इसलिए नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, केनवा अच्छे प्राण किसु को लागिया, नरतम दास के न नागल मरिया। नरतम दास ठाकुर कहते हैं, बोले जिंदा की हो किस लिए तुम जिंदा हो? हैं? अगर भजन नहीं कर पाए तो जिंदा रह कर क्या लाभ है? कुत्ते गधे सुअर क्या जिंदा नहीं रहते? वो भी तो जिंदा रहते हैं। ये जीवन केवल इसलिए भगवान दिया भजन के लिए। अगर जीवन में तुम्हारी भजन नहीं हुआ तो फिर खा क्यों खा रहे हो? क्यों खाना ही मत खाओ। इसलिए हरिदास ठाकुर को महाप्रभु प्रसाद देने के लिए आए थे, बोले प्रभु प्रसाद नहीं ले सकता हूँ। बोले क्यों? बोले आज मैंने माला पूरी नहीं किया, आज मैंने माला पूरी नहीं की, इसलिए कम से कम थोड़ा हरिनाम तो करो। सवेरे उठ कर गुरु जी के मंत्र को जप करनी चाहिए। ऐसे नहीं गुरु मंत्र ले लिया लेकिन जब इच्छा करे नहीं कर, नहीं। कुछ दिन जब मंत्र जप नहीं करते ना, वो धीरे धीरे उसका शक्ति धीरे धीरे घटते आ जाए, मंत्र शक्ति धीरे 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 घटते 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 आ जाए। इसलिए नियम है, जब गुरु मंत्र ले उसको नियम से क्या करो? नियम से गुरु मंत्र को नियम से जप करनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए अपना नित्य नियम को सवेरे उठ करके अपना नित्य नियम को करके फिर जाकर के उसको बाद में फिर भगवान की प्रसाद ठाकुर को प्रसाद। नित्य नियम पूरी नहीं हुई, नहीं 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 खानी चाहिए, ये जीवा को दंड देनी चाहिए। बोले तुमने मन को दंड देनी चाहिए, आज तुमने भजन नहीं किया, हरिनाम नहीं किया, गुरु मंत्र नहीं, खाना क्यों खाओ? नहीं खाना खाए। इसलिए पहले भजन उसके बाद में भजन, पहले भजन नहीं पहले भजन, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर कहते हैं पहले भगवान के नाम का प्रति निष्ठा, इसलिए तन्नाम, उसके बाद में रूप, उसके बाद में भगवान की रूप का ध्यान करनी चाहिए। कृष्ण कितने सुंदर है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले बराहा ब्रह्मा जी के, नौ मिनट थे अभ्र भगु से तड़ितंबराय गुंजावतन सपरिपी चलसत मुखाय। ब्रह्मा जी केवल एक ही अर्थ सुन लो फिर प्रसाद पा लें, ठीक है? हरे कृष्ण कहते प्रभु आपका चरण में हम प्रणाम करते हैं। बोले क्यों प्रणाम करते हो? बोले आपके बछड़े सखा हमने चुराया ना, आपका भक्तों का अब से हमने अलग कर दिया है, हैं? इसलिए प्रभु आप तो मेरे प्रभु हो, इसलिए आपका चरण में हम प्रणाम करते हैं। इसलिए बोले क्यों प्रणाम करते हो? कारण बोले अपराधी। फिर भगवान को क्या उदाहरण देते? बोले अभ्र वपु से, ध्यान देकर सुनो, अभी मैं पूछूंगा कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। भगवान को उदाहरण दिया, भगवान के रंग कैसे है? श्याम है। कृष्ण का रंग क्या है? श्याम। कृष्ण का एक श्याम कहते ना, ये ब्रह्मा जी कहते भगवान श्याम क्यों, काले क्यों है, किस लिए ये काले है, इसको उदाहरण दे रहे हैं। कहते ये मेघ कब होता है? कब जब पानी जब इकट्ठे हो जाता है ना एक स्थान पर, इकट्ठे हो जाता है बादल, तभी जाकर के ये बारिश बरसता है। इसलिए पानी को बताया कृपा, पानी को कृपा, जैसे पानी नहीं हो ना, देखना घर में पानी नहीं हो क्या होगा बता? एक दिन अगर पानी नहीं होगा क्या खाना पीना बाथरूम जाना सब बंद, सब बंद है, दूसरे कोई चीज नहीं होगा ना काम चली जाएगी। अगर पानी एक दिन नहीं हो ना, हे भगवान, इसलिए पानी को जीवन बताया, पानी को कृपा बताया, पानी ही जीवन, प्राणी ही। हाँ जैसे प्यास लग रहा है, छाती फट रहा है, बस एक गिलास कोई जूस, मीठा कोई जूस नहीं तो पानी पिया लेना, मन को तृप्ति मिलती है, मन को तृप्ति मिलती है। इसलिए ये पानी जीवन, ये पानी को बताया कृपा, पानी कृपा, बादल कृपा। कृष्ण रंग कैसे है? बोले काले श्याम रंग, क्योंकि जब बादल जब इकट्ठे होकर के घन घनीभूत रूप होता है वो फिर बारिश बरसता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैं तो अपराधी हूँ, आपके चरण में मैंने अपराध किया, आपको बछड़े सखाओं को मैंने चुराया, लेकिन आप है कौन? बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, आप कौन है? कृपा की समुद्र हो, दीन का बंधु आप हो। लेकिन मैंने क्या की? मैंने आपकी बछड़े को चुराया,
सखा बुझुराई इसलिए मैं अपराधी, लेकिन आपका दिन बंद हो क्योंकि अब बादल इकट्ठा हो गया ना, मेघ बारिश बरसती है, और जब बारिश बरसती है जैसे अभी मानसून नहीं आ रही है, सब लोग एकदम दुखी दुखी, मानसून आ जाए तो ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसलिए प्रभु कहते आप मेरे ऊपर में कृपा करो, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है, देखना जब बारिश होती है वो बारिश ये नहीं देखता है, अरे यहाँ टाटी पेशाब पड़ा हुआ, यहाँ क्यों बारिश दूंगा, यहाँ पर बढ़िया स्थान है, यहीं पर बारिश होगा, ऐसे होता है? बारिश सब जगह में बराबर, ये बारिश सब जगह में बराबर पानी देती है। कहते हे प्रभु आप तो अब अभ्रव बबू से आप कौन हो, काले मेघ का जैसे रंग, मतलब है जैसे काला मेघ सब जगह में बराबर बारिश करता है, जब मैं अपराधी हूँ, लेकिन मैं अपराधी होने पर आप सबको ऊपर कृपा करने वाले, आप सबको ऊपर में कृपा करने वाले, इसलिए प्रभु मेरे ऊपर में भी कृपा कर, ये अर्थ। तीसरा अर्थ क्या है, कहते एक चिड़िया होता है जिसका नाम चातक, क्या नाम है? चातक। वो चिड़िया क्या करता है, चातक, वो कहीं का पानी नहीं पिएगा, तालाब का नहीं पिएगा, हाँ वो किसी नदी का पानी नहीं पिएगा, कुआ का पानी नहीं पिएगा, कौन सा पानी पिएगा, बारिश का पानी, आकाश जब बारिश होता ना स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है। बोले हे प्रभु मैं अपराधी हूँ, मैं चातक, चातक का जीवन जैसे ये मेघ होता है उसी तरह आप मेरे प्राण, आप मेरे मेघ है ना, जैसे केवल उसी पानी को पीता है, इसलिए प्रभु मैं अपराधी हूँ, इसलिए आप मेरे प्राण, आप ही मेरे प्राण है, अगर आप वज्र गिरा करके मेरे प्राण को भी ले सकते हो और पानी दे करके मेरे प्यास को भी बुझा सकते हो, इसलिए आप मेरे ऊपर में कृपा करो, आप मेरे ऊपर में कृपा करो। इसलिए कहते क्या करनी चाहिए, भगवान के रूप को ध्यान करनी चाहिए, इसलिए तन नाम रूप चरितादि, और भगवान की चरितों को, भगवान की कथा को सुननी चाहिए, भगवान की कथा को पढ़नी चाहिए, जैसे रामायण गीता भागवत ग्रंथों को पढ़नी चाहिए। चरितादि सुकीर्तनानु क्रमेण रसना मनस लीजिए, धीरे धीरे क्या करनी चाहिए, क्रमेण मनसा, पहले ये मन को भगवान के चरण में लगाओ, क्यों यही मन ही सारे इंद्रियों का राजा है, हैं ये इंद्रियों का राजा, धीरे धीरे क्या करनी चाहिए, मन रसना मतलब जीवा लगा क्या करनी चाहिए, तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी, बोले कहाँ पर भजन करे, बोले वृंदावन में रह करे, कहाँ पर, बोले सब अगर वृंदावन में चले जाएंगे आप घर देंगे और आप खाने के लिए देंगे फिर पैसा कहाँ से आएंगे अगर काम के, इसलिए कहते अगर शरीर से नहीं रह पाते हो ना मन से रहा करो, मन से रहो, बोले मन से कैसे कराएंगे, कि जिस घर में भगवान का कीर्तन भजन पूजा पाठ हो ना वो घर नहीं वही वृंदावन है। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं यदि नगरी है भजन देखी गृहत गोलक भाय, जिस दिन घर में भगवान की कीर्तन पूजा पाठ ठाकुर जी की आरती तुलसी परिक्रमा हो ना तुम्हारे घर ही वृंदावन, तुम्हारे घर ही वृंदावन हो गया, बोले से वृंदावन धाम की। इसलिए क्या करनी चाहिए, सवेरे उठो, उठकर क्या करो, सबसे पहले नहा धोकर सबसे पहले तिलक लगाओ, क्या करो तिलक लगाओ, सारा दुनिया को भूल जाओ लेकिन तिलक मत भूला करो। अब देखना ब्राह्मण जब घर में आता है ना जब तक तिलक नहीं लगाएगा पूजा नहीं करेगा, मतलब है तिलक के बगैर तुम्हारी पूजा निष्फल है, तुम्हारी जैसे आप जब सतवा स्त्रियां हैं स्नान ध्यान करके क्या करते हैं, मांग भरती है ना, सिंदूर मांग भरती है ना, जब तक सिंदूर मांग नहीं भरते पति को सामने नहीं जाती है, वो अच्छी नहीं मानी जाती है। जब ये जगत का पति के लिए इतने मांग भर रहे हो, जब जगत का पति के लिए इतने मांग भर लेते हो, जो असली पति के लिए क्या नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले उनके लिए तो मांग भरो, उसके लिए क्या है बाबा जैसे तिलक लगाए देखो एकदम चमचमा रहे तिलक बाबा, इसलिए पहले ये तिलक लगाने चाहिए, ठीक है ना, सबसे पहले भगवान की तिलक लगा, बारह अंग में तिलक लगा, उसके बाद में ठाकुर जी की आरती उतारो, गुरु मंत्र जप करो और तुलसी परिक्रमा रोज करो, जैसे तुलसी रख करके जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन सावित्री गोवर्धन।
जय माधव। ये कीर्तन किसको किसको याद है, हाथ उठा, किसको किसको कीर्तन याद है? हाँ देखो, ये कीर्तन जरूर याद है, क्योंकि ये एक ऐसे के कीर्तन है, अगर एक कीर्तन का आप सवेरे बोल करके अगर तुलसी परिक्रमा कर लिया ना, पूरा तुम्हारी वृंदावन याद हो जाता है। राजय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन श्री गोविंद, गोपीनाथ मदन मोहन, केसी घाट बंसी भट, द्वादश कानन, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, सब एक कीर्तन कर दिया ना, पूरा वृंदावन धावे, तुम्हारी याद आ जाएगी पूरा सारे, ठीक है ना। अगर याद नहीं हो तो उसको याद कर लेना, नहीं तो कम से कम वो पुस्तक रख करके ना, पुस्तक पढ़ करके उसको रख करके उसको परिक्रमा करो, उसको परिक्रमा उसको पढ़ पढ़ करके करो, ठीक है ना। इसको रोज करना, अगर अपना हरिनाम माला करो, बस हरी वृंदावन है, इसलिए नित्य नियम करो, ठीक है ना। अपना नित्य नियम को अच्छे तरह से अपना नित्य नियम को करनी चाहिए, ठीक है। दुनिया का तो नित्य नियम करते थे, संसार भगवान के लिए नहीं करते, जो देने वाले उसके लिए नहीं करते, ठीक है। वो शाम का है, और सवेरे जय राधे जय कृष्ण करने चाहिए, ठीक है ना। इसलिए तिष्ठन ब्रज, ब्रज में रह करके गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कहते जितने सारे उपदेश में, कहते जितने सारे उपदेश में यही अगर इतना कर लिए बस हो गया, ठीक है। यो देखो जैसे ये कथा सुनाते हैं ना, ये कल सब खड़े खड़े कथा सुना, तुम भी कथा भी याद, दुनिया का तो बहुत सारी बात याद करते, यूट्यूब में बहुत सारी कथा है, इधर उधर चीज नहीं देखकर सो कथा को देखना, कितने अच्छी अच्छी कथा आती है, एक एक टॉपिक को याद करना, और तुम्हें भी हम खड़े करेंगे, ठीक है। इसलिए एक कुछ कुछ कथा को यूट्यूब में देखना, बड़ी अच्छी अच्छी कथा आती है, भक्तों का अच्छी अच्छी कथा आती है, उसमें देखना एक अमोघ प्रभु की लीला कथा सुनते हैं, और एक बहुत सारे भक्त लोगों का देखो अच्छी अच्छी कथा आती है, वो कथा को धीरे 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 सुनोगे सुनोगे ना, एक कथा को याद करना। दुनिया की तो बहुत सारी कथा को याद करते हैं, लेकिन भगवान की कथा को याद, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ ताली बजाते हुए कीर्तन करो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे
की।